नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के इस नए वीडियो में सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और एक बेस्ट इंट्राडे स्टॉक जो कल आप ट्रेड कर सकते हैं 14 जनवरी को फ्राइडे। जैसे आप देख रहे हैं, निफ्टी लगातार अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू था और आज 0.25% अप क्लोज हुआ है। एक वोलेटाइल एक्सपायरी था, दोनों साइड ट्रेड आपको मिला होगा, आप ट्रेड लिए होंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, निफ्टी एक राइजिंग वेज पैटर्न है और प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न इज वेरी हाई कि वो नीचे ही गिरेगा। एग्जैक्ट जो पैटर्न का प्रोबेबिलिटी वो मैंने बता दिया, जैसे एग्जैक्ट है। कभी भी मार्केट ऐसे अगर अप जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी यही है, रखिएगा कि वो एक डाउन साइड ब्रेक करेगा। जैसे ये देख लीजिए, जैसे अभी ऐसे हाई गया है, 5 मिनट का कैंडल है, देख लीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड लीजिएगा। तो जैसे एक प्रोबेबिलिटी वेरी हाई रहेगा, एक सपोर्ट लेके जा रहा है तो वेरी हाई है कि वो डाउन साइड ही ब्रेक करेगा, एक रिटेस्ट हो सकता है कंप्लीट करे ब्रेक डाउन के बाद। इसीलिए कल के दिन अगर आपको ट्रेड लेना भी है निफ्टी में, तो अगर इस ट्रेंड लाइन जो नीचे है उसका ब्रेक का वेट करिएगा। ऐसे लेवल आपको यहाँ दिखते जा रहा है 18,230 के आसपास, लेकिन एग्जैक्ट लेवल जो ट्रेंड लाइन एक्सटेंड होगा वहां तक आपको वेट करना है। आप अपने लैपटॉप में चार्ट ड्रॉ करिए, उसी के हिसाब से ट्रेड करिएगा। कोई भी लेवल यहाँ डायरेक्ट आपको बता देंगे, वो आप नहीं फॉलो करिए। आप जाकर चार्ट ड्रॉ करिए अपने लैपटॉप में, उसके हिसाब से ट्रेड करिएगा। और हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेकर बाउंस भी कर जाए, तो कैंडल आपको स्टडी करना होगा। अगर वीक वाला कैंडल है तो वहां से बाउंस होगा तो आप ट्रेड ले सकते हैं, और SL रखिएगा जस्ट बिलो द ट्रेंड लाइन, और टारगेट 1:2 का एक्सपेक्ट करिएगा। अगर सेल कर रहे हैं, अगर ब्रेक डाउन आया तो सेल करिएगा, ये राइजिंग वेज पैटर्न का सेल करिएगा और SL रखिएगा जस्ट अबोव द ट्रेंड लाइन। इस तरह वो ट्रेड लेना है। डायरेक्ट कोई लेवल बता दिया वैसे ट्रेड नहीं लीजिए, और जो भी यहाँ ट्रेडिंग आइडिया शेयर किया जाता है सारा एजुकेशन पर्पज के लिए रहता है। ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह जरूर ले लें। जैसे आप देख रहे हैं, निफ्टी का एनालिसिस आपको बता दिया। अब चलिए आपको बैंक निफ्टी कैसे कहाँ ट्रेड लेना है। जैसे बैंक निफ्टी लगातार एक अप ट्रेंडिंग था, लगातार देख लीजिए डेली कैंडल में लगातार बैक टू बैक 10 दिन रेड ग्रीन कैंडल बनाया। तो एक नॉर्मल बात है, अगर आप लॉजिक से समझेंगे कि एक रिजेक्शन लेना बहुत जरूरी है रेजिस्टेंस पे, तो वहीं से आज मार्केट रेजिस्टेंस दिया। और सेम जैसे ही कल का लो ब्रेक हुआ, बस मार्केट एक लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ गया। अगर आप प्रोजेक्शन जानते हैं तो नॉर्मल ट्रेड लिए होंगे लगभग यहाँ पे, SL रखे होंगे अबो आज का जो ओपनिंग है, और अच्छा टारगेट आप कवर किए होंगे पुट के साइड, बाइंग करके चले होंगे या कॉल शॉर्ट करके चले होंगे, तो या फ्यूचर में ट्रेडिंग करें तो बैंक निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट किए होंगे। उसी तरह आज एक रेड कैंडल बनाए बहुत दिन बाद, देख लीजिए डेली कैंडल सारा ग्रीन ग्रीन था लगातार 10 दिन, काउंट कर लीजिए, और आज एक रेड कैंडल बना बहुत दिन बाद। इसीलिए कल के दिन आपको ट्रेड लेना है। तो अब सर का लेवल देख लीजिए, एक रेजिस्टेंस जो बार बार यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा था, जस्ट थोड़ा ऐसे कर लीजिए, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आज का यहाँ से रिवर्स हो रहा था। तो एग्जैक्ट अगर इस कैंडल जो वेट कर लीजिए 38,500, अगर कल के दिन 38,500 का लेवल आपको ब्रेक होते हुए दिखेगा बुलिश कैंडल 5 मिनट का, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। SL रखिएगा जस्ट बिलो द ट्रेंड लाइन 450 का या 400 का, और टारगेट एक्सपेक्ट करिएगा 1:2। अगर 100 पॉइंट का SL है तो 200 पॉइंट का टारगेट, अगर 50 पॉइंट का SL है तो 100 पॉइंट का टारगेट। उसी तरह सेल के साइड तो एक लेवल देख लीजिए, सेल के साइड भी एक अच्छा लेवल है, अगर आपको ट्रेड लेना है कल के दिन सेल के साइड, तो सेल के चल सकते हैं लगभग ये लेवल पे जहाँ पे बार बार मार्केट बाउंस ले रहा है। देखिए सपोर्ट सपोर्ट तो थोड़ा डाउन कर लीजिए सपोर्ट को, एग्जैक्ट ये लेवल का टूटने का वेट करिएगा। 38,280, 38,280 के नीचे अगर ट्रेड लेंगे सेल के नीचे, अगर सेल एक्टिवेट होगा तब, तो आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 38,000 का, और SL रखिएगा 50 पॉइंट्स का, टारगेट 1:2 का। इस तरह आप ट्रेडिंग करिएगा, एक लेवल ड्रॉ कर लीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए, उस तरह ट्रेड करिए। कोई भी आपको अगर यहाँ आके मार्केट का लेवल बता के चला गया कि निफ्टी ऐसे ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी ऐसे ट्रेड करना है, तो ऐसे आपको ट्रेडिंग नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ लॉजिक से ट्रेड करना है। जैसे आप देख रहे हैं आज मार्केट एक तरह से फ्लैट ही खुला था, कल गैप खुला था, तो वहां पर गैप फिलिंग होता है। अगर गैप बनता है तो ये सब गैप बहुत मार्केट फिल करता है, बहुत बार नहीं भी फिल करता है। कब फील करेगा कब नहीं फील करेगा ये सब आप खुद एक्सपीरियंस दिखिएगा। इसलिए रेगुलर आप चार्ट को एनालाइज करिए। उसी तरह सेलिंग लेवल बता दिए, एक सपोर्ट है, अगर ये लेवल टूटेगा तब आपको सेल करना है। बाइंग करना है तो ऊपर ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। और चलिए कल के दिन बेस्ट एक इंट्राडे स्टॉक है आप सबके लिए, स्टॉक का नाम है टाटा पावर। देख सकते हैं टाटा पावर एक ट्रेंडिंग स्टॉक था जो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था, देख लीजिए इक्विटी ग्रुप में, और आज इसका टारगेट भी अचीव हुआ, एक बहुत अच्छा जैकपॉट ट्रेड था। हमने BTST में भी दिया था, आज के दिन नहीं 4 दिन पहले दिए थे BTST में, और टारगेट स्विंग के लिए भी दिए थे कि अगर आप स्विंग लेंगे तो 245 का टारगेट है, और वही 245 आज अचीव हुआ, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और इंट्राडे ट्रेड भी दिए थे महिंद्रा महिंद्रा का, आज देख लीजिए महिंद्रा महिंद्रा विल कंटिन्यू इट्स मोमेंटम व्हेन इट्स क्रॉसेस 886 लेवल, लेवल भी दे दिए, देख लीजिए 910 का है महिंद्रा महिंद्रा। जिंदल स्टील का ट्रेड दिए विद चार्ट एनालिसिस, एक ब्रेकआउट आया था, ट्रेड दिए विद SL एंड टारगेट दोनों, देख लीजिए। उसी तरह टाटा पावर में भी जो BTST शेयर किए थे, देख सकते हैं आप, देख लीजिए टाटा पावर यहाँ शेयर किए थे, BTST कॉल दिए थे ऑलमोस्ट जनवरी 6 को, देख लीजिए टाटा पावर बाय 226.5, टारगेट 230-232 BTST का, और स्विंग का टारगेट 245 विद इन 5 टू 6 डेज, देख लीजिए जनवरी 6 से कैलकुलेट करिए 5 से 6 दिन।
आज 13 तारीख है, एग्जैक्ट कितना, एक सप्ताह एग्जैक्ट लगा, 6 दिन। उसके बाद टारगेट अचीव हुआ 246, आज हमारा सारा टारगेट अचीव हुआ। इस तरह के ट्रेडिंग आइडियाज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ऑप्शन ग्रुप में बहुत सारा स्टॉक ऑप्शन शेयर किया गया, देख लीजिए, लुपिन का शेयर किया गया, होल्डिंग, उसके बाद बैंक निफ्टी का शेयर किया गया, एनटीपीसी का शेयर किया गया था स्टॉक ऑप्शन, उसी तरह लास्ट में एक हीरो जीरो भी शेयर किए थे, पहले देख लीजिए, पुट शेयर किए थे निफ्टी का, कितना अच्छा टारगेट अचीव किया निफ्टी में। अच्छा देखिए, निफ्टी जो शेयर किए थे कितना अच्छा फॉल आया, यहाँ पे देखिए लगभग यहाँ शेयर किए थे, अच्छा फॉल आया, फिर यहाँ और गिरा, तो अच्छा टारगेट अचीव हुआ। इसी तरह देख सकते हैं उसके बाद कितना सारा अच्छा ट्रेड शेयर किए थे, अच्छा जब 50 पॉइंट्स का आप टारगेट अचीव कर सकते थे यहाँ। उसी तरह बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं, टाटा स्टील का शेयर किया गया था स्टॉक ऑप्शन, वो टॉप गेनर में है, 7% अप है, सारा टारगेट इसने अचीव किया। और लास्ट में 3:05 पे हमने एक ट्रेड शेयर किया, जो कि 3 बजे कभी हीरो जीरो ट्रेड होता नहीं है, लेकिन मार्केट में इतना अच्छा ब्रेकआउट आया, देख लीजिए निफ्टी में, ये नहीं है, ये गुजरात गैस का चार्ट है। अब देख सकते हैं हीरो जीरो ट्रेड हम 3 बजे शेयर किए, 18-50 कॉल एट 5.3, SL1 टारगेट 10, ये 5.3 के ऊपर ही बंद हुआ है, और अच्छा शेयर किए, देखिए अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, तुरंत चार्ट शेयर किए। उसके बाद चार्ट के साथ आपको जो भी ट्रेड शेयर किया जाता है सारा चार्ट एनालिसिस के साथ शेयर किया जाता है, और एक बात हमेशा नोट रखें, जो भी ट्रेडिंग आइडिया शेयर किया जाता है विद चार्ट एनालिसिस सारा एजुकेशनल पर्पस के लिए रहता है, ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह जरूर ले लें। चलिए टाटा पावर का लेवल डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस लेवल पर कल ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। जैसे आप देख सकते हैं टाटा पावर एक ट्रेंडिंग स्टॉक था, उसी तरह एक सिंपल सा आपको ब्रेकआउट का वेट करना है कल के दिन, अगर आपको बाय करके चलना है तो एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए टॉप से, बस इस लेवल का वेट करना है ब्रेकआउट का, लेवल 246.5। इस लेवल के ऊपर अगर टाटा पावर कल निकलते हुए देखेंगे आप, 5 मिनट का कैंडल क्लोज बुलिश मिलना चाहिए तभी आपको ट्रेड लेना है, बस एसएल रखिएगा बिलो द ट्रेंड लाइन। पोजीशन दिखा देते हैं, 246 पे लिए या 246.5 हल्का ऊपर लिए, एसएल आपको रखना है जस्ट इस रेजिस्टेंस का, क्योंकि अगर इसके नीचे अगर मार्केट आएगा तो हो सकता है बड़ा फॉल आ जाए, 240 तक वापस आ जाए टाटा पावर, इसलिए ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं रखना है आपको, जस्ट एसएल रखना है 244 का, और टारगेट एक्सपेक्ट करिएगा 250 का, 249 का फर्स्ट टारगेट, 253 का सेकंड टारगेट। और कल के दिन आप टाटा पावर ने मोमेंटम देख सकते हैं सेम, जैसे आज आज आपने मोमेंटम देखा बैक टू बैक रैली, उसी तरह कल एक ब्रेकआउट आएगा तो मोमेंटम देख सकते हैं। अब लेवल आपको बता दिया गया है, आप चार्ट एनालाइज कर लीजिएगा। आई होप आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस समझे होंगे, वीडियो अच्छा लगा लगे फ्रेंड्स, वीडियो मैंने बहुत धन्यवाद।